हाय बच्चों गुड इवनिंग कैसे हैं सब बच्चे मेरा नाम है सीपा वेलकम टू एन अकेडमी एंड गोइंग टू डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर दैट वी स्टार्टेड टू डेज बैक दैट इज मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का आज हम काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है डीएनए एन रेप्लीकेशन यस हां जी दिख रहा है सबको यस yes, बता दो फटाफट फड़ से हाँ जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग अभी से कैसे नेट खत्म हो जाता है यार तुम्हारा है इतनी जल्दी नेट खत्म हो जाता है सुबह से कितना वीडियो देख चुके हो डेढ़ जीबी मिलता है आजकल तो पर डे पर डे दे, डेढ़ जीबी खत्म करने का मतलब सोच रहे हो आई कैन इमेजिन तुम कितना YouTube का कुछ सीरीज वगैरह देख रहे हो गाने सुनते हो हाँ जी आपकी क्लास इस समय क्यों रखिए रात को क्यों नहीं रखते क्योंकि रात में यूजुअली बच्चों का नेट खत्म हो जाता है बट अब तो नेट होना चाहिए यार है ना सरप्राइज बेटा क्लास में बताएंगे एक्चुअली जो अः दस जो बच्चे नहीं जानते ये जो लिंक दिया हुआ है ये लिंक दिया हुआ है स्पेशल क्लास का स्पेशल क्लास अन अकेडमी की ऐप पर होती है और इस क्लास में आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं आज जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो कराए जाएंगे बॉडी फ्लोर्ड एंड सर्कुलेशन के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड जो आज टॉपर होगा इस क्लास का इस वाली क्लास का मतलब ही इज गोइंग टू गेट समथिंग फ्रॉम मी ठीक है उसके लिए मैंने गिफ्ट सोच रखा है वो मैं दिखा दूंगी आज क्लास में दिखा दूंगी ये क्लास होने वाली है शाम को छह बजे तो डू नॉट मिस आउट दिस क्लास ये फ्री क्लास है जैसे यूट्यूब फ्री होता है वैसे वो भी फ्री है बस आपको इस क्लास पे क्लिक करना है और एनरोल पे क्लिक करना है ठीक है एनरोल कर लोगे तो क्या होगा तुमको नोटिफिकेशन आएगा छह बजे जो नोटिफिकेशन आएगा उस पर लिंक पे क्लिक करना और आ जाना उस क्लास में ठीक है पोल बेस्ड फॉर्म में हम प्रैक्टिस भी करेंगे और लीडर बोर्ड भी जनरेट होता है यानी कि टॉप टेन स्टूडेंट्स आते हैं उसमें टाइम और एक्यूरेसी के बेस पे और जो भी उसमें टॉप करेगा ही इज गोइंग टू गेट समथिंग फ्रॉम माई साइड टुडे ठीक है यस yes. क्यों हम लोग का तो क्यों कुछ नहीं है तुम्हारा क्यों कुछ नहीं है बताओ यस yes, एक बार बुला लें सब बच्चों को ओके सो एवरीवन वन द क्लास है स्टार्टेड डीएनए एप्लीकेशन हम शुरू कर रहे हैं आ जाओ फटाफट से ओके सो डीएनए एप्लीकेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूं एक ऐसी चीज एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसपे पूरी जेनेटिक्स टिकी हुई है अब तुम बोलो मैम जेनेटिक्स तो मेंडल पे टिकी हुई है है ना मेंडल के जो लॉस है वही फादर ऑफ जेनेटिक्स है जो उन्होंने बोल दिया बिल्कुल

है ना भाई हमारे पास जैसे कलर का प्रोटीन होगा वैसा ही मेरा स्किन का कलर होगा हो 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 क्योंकि तुम्हारे पास ग्रे वाला प्रोटीन है मेरी आंखों का कलर या डार्क ब्राउन है मेरे पास वैसा प्रोटीन है कोई बच्चा बोलेगा मैम मेरे तो ब्लैक है उसके पास ब्लैक वाला प्रोटीन है यानी कि वो कौन सी चीज है जो हमको एक दूसरे से अलग करती है बहुत डीप में जाओगे तो एक्चुअली में वो डीएनए है बट वो कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है फ्लूड है जो हमको एक दूसरे से अलग करता है दैट इज अ प्रोटीन लेकिन वो प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन मिला कैसे आज मेरी मेरी आंखें मम्मी की तरह क्यों है क्यों मेरे अंदर वही प्रोटीन बना है जो मेरी मदर के अंदर बन रहा था क्यों मेरे बाल मेरे मेरे फादर के जैसे क्यों अंदर वही प्रोटीन बना है जो मेरे फादर के अंदर बन रहा था क्योंकि बेटा उस प्रोटीन को बनाने के लिए जो कोडेड इंफॉर्मेशन है वो किस में प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट है और जेनेटिक मटीरियल कौन सा होता है आपके पास डीएनए होता है ठीक है यानी कि जिस भी टाइप का प्रोटीन तुम्हारे अंदर बन रहा है उसकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से आ रही है ठीक है? है से आ रही करके वहां से प्रोटीन बनाना पड़ेगा. तो इसके बारे में बेटा जी आज हमने बात करनी है दैट इज सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी किसके बारे में बात करेंगे सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी ठीक है जी सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी कहता है कि यार सबसे बड़ा मॉलिक्यूल बायो मॉलिक्यूल तुम्हारी बॉडी में कौन सा है पिछली क्लास में बताया था सबसे बड़ा बायो मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में कौन सा है बेटा जी सबसे बड़ा बायो मॉलिक्यूल कौन सा है आपके पास दैट इज डीएनए ये जो डीएनए है इसके पास बहुत सारी क्षमताएं हैं क्या है इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है सबसे पहली प्रॉपर्टी डीएनए की है इट इज ऑटो कैटेलेटिक इन नेचर टो कैटेलिटी के नेचर का मतलब होता है कि ये डीएनए अपनी कॉपी अपनी कॉपी खुद भी बना सकता है अपनी कॉपी बेटा जी खुद भी बना सकता है यानी कि अपने आप को देख के अपनी एक और कॉपी बना लेता है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डीएनए रेप्लीकेशन बोलते हैं ये क्यों प्रूव पॉसिबल हुआ क्योंकि बेटा डीएनए ऑटो कैटलेटेड था मतलब डीएनए का एक स्ट्रैंड अपने आप को देखकर एक और स्ट्रैंड बनाने की क्षमता रखता है फ्रॉम डीएनए ज डीएनए रेप्लीकेशन इस प्रोसेस को बेटा जी क्या बोलते हैं हम डीएनए रेप्लीकेशन या फिर तुम इसको ड्यूप्लीकेशन भी बोल सकते हो लेकिन अल्टीमेटली मुझको पहुंचना कहां तक है अल्टीमेटली मुझे कैरेक्टर्स अगर दिखाने हैं तो मुझे पहुंचना कहां तक है बेटा जी प्रोटीन्स तक पहुंचना है कहां तक पहुंचना है

उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या बनाएगा प्रोटीन अब बच्चा जल्दी जल्दी में क्या बोल जाता है मैम डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो गया मतलब डीएनए मर गया कन्वर्ट होने का क्या मतलब है आटा रोटी में कन्वर्ट हो गया आटा तो खत्म हो गया ना समझ रहे हो मैं बोल रहा हूं आटा पड़ा इससे मैंने यहां पर एक फुलका बना लिया रोटी बना ली आटा रोटी में कन्वर्ट हो गया तो आटा तो खत्म हो गया अब अगर मैं ये लाइन बोल दूंगी कि डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो गया तो डीएनए मतलब भसम हो गया बताओ डीएनए को मार दे हैं मतलब डीएनए अपना अस्तित्व ही छोड़ दे आरएनए में कन्वर्ट होने के लिए क्या ये लाइन ठीक है यस मेरे बच्चों बताइए क्या ये लाइन ठीक है हाँ जी डीएनए आरएनए अच्छा मैं तो भूल गई थी यार एक होमवर्क भी दिया था मैंने तुम्हें आई गिव यू होमवर्क जिस होमवर्क का आंसर सबने गलत दिया था चैट बॉक्स में एक ही बच्चे ने ठीक दिया था मैं उसका नाम लेना भूल गई अभी मैं बताती हूँ होमवर्क क्वेश्चन पे ही वापस आते हैं होमवर्क क्वेश्चन पे ही वापस आते हैं यस yes, तो मैं आपसे पूछ रही हूं डीएनए आर में कन्वर्ट हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि डीएनए खत्म हो गया डीएनए एक्चुअली में कन्वर्ट नहीं हो रहा डीएनए को देखकर आरएनए बन सकता है इट इज नॉट एक्चुअल कन्वर्जन हम बोल देते हैं बट असल में क्या हो रहा है डीएनए को देखकर आरएनए बनता है एंड द प्रोसेस जिसकी मदद से ये बनता है जिसको हम अगली क्लास यानी कि कल करने वाले हैं इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या बोलते हैं ट्रांस करप्शन डीएनए जिंदा ही रहेगा डीएनए की इंफॉर्मेशन को यूज करके हम क्या बना लेंगे आरएनए फिर आरएनए किस में कन्वर्ट होगा प्रोटीन में एंड द एंडस बाई विच कन्वर्ट्स इनटू प्रोटीन दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन तो ये है बेटा जी सेंट्रल डॉगम ऑफ बायोलॉजी सेंट्रल डॉगम ऑफ बायोलॉजी कहता है कि डीएनए से डीएनए बनेगा साथ ही में डीएनए से क्या बनेगा आरएनए बन सकता है और फिर वो आरएनए एन ए कन्वर्ट होगा वो आरएनए एन ए किसमें कन्वर्ट होगा बेटा जी प्रोटीन्स में कन्वर्ट होगा तो ट्रांसक्रिप्शन ट्वेंटी ट्वेंटी वन में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था सेंट्रल डॉगमा से डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा जी ट्वेंटी ट्वेंटी वन में आ चुका है तो ये सिंपल सी चीज है आपको ये चीज याद हो जाएगी अगर डीएनए बेटा डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है इस प्रॉपर्टी को क्या बोला था मैंने डीएनए की प्रॉपर्टी को

उल्टा भी चल सकता है देर आर सर्टेन वायरसेस जिसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है उन वायरसेस में क्या होता है आरएनए एन एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है तो उन वायरसेस में मामला जो है ना कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आरएनए तो उसमें क्या होगा पहले आरएनए की इंफॉर्मेशन यूज करके आप क्या बनाएंगे डीएनए मतलब आपने ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को क्या कर दिया उल्टा कर दिया है ना डीएनए से आरएनए अगर ट्रांसक्रिप्शन है यहां पर तुम आरएनए से डीएनए बना रहे हो तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा जी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ओके जी इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमको लगेगा एक एंजाइम एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या बोलोगे इस एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एज लग गया लास्ट में एज का मतलब ही क्या होता है एंजाइम यूजुअली एज जहां पर लगता है वो क्या होता है एंजाइम तो ये प्रोसेस उल्टा भी जा सकता है सो दट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ठीक है इसको और क्या बोल सकते हो रिवर्स सेंट्रल डॉगमा क्योंकि तुमने पूरे के पूरे सेंट्रल डोगमा को यार हिला दिया है ना दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स सेंट्रल डोगमा एंड ये प्रोसेस किसने देखा था यह प्रोसेस देखा था टेमिन एंड बाल्टीमोर ने तो इसीलिए इसको बोलते हैं टेमिनिज्म Scientist के नाम पे इसको क्या बोलते हैं टेमिनिज्म टेमिन एंड बाल्टीमोर ने देखा था सो दिस डिस्कवर्ड बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर ओके मेरे बच्चे यस yes? तो ये कहानी थी सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी की क्या ये कहानी ठीक हुई हां जी बताइए क्या ये बात बिल्कुल ठीक हो चुकी है हाँ जी कमऑन बच्चों एक बार सेशन को लाइक करके बता दो ताकि मुझे पता चले तुम्हें सुनाई भी दे रहा है आज मैं नया माइक लगाया है कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें हाँ जी बेटा उस क्लास की बात हम उस क्लास में ही करेंगे ये जो आप आ, स्पेशल क्लास की बात कर रहे हैं स्पेशल क्लास की बात मैं स्पेशल क्लास में ही करूंगी ठीक है यहां नहीं करूंगी यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करेंगे बिल्कुल ओके जी चलिए अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लीकेशन डीएनए रेप्लीकेशन एक कैसा प्रोसेस है हां जी फटाफट से सेशन को लाइक करके बता दो डीएनए रेप्लीकेशन हाँ जी मैं कह रही थी एक चीज और रह गई अभी याद आया मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था होमवर्क क्वेश्चन देख लू ये क्वेश्चन दिया था और मैंने आपसे नलायक बच्चों से ये कह दिया कि यार कमेंट्स में इसका आंसर दे देना किस किस ने इसका रिप्लाई किया मुझे बताओ जरा पोल में बताइए किस किस बच्चे ने मुझे इसका रिप्लाई किया मुझे? पोल में बताना किस किस बच्चे ने इसका रिप्लाई किया मुझे क्योंकि उस, उस बच्चे को यहीं से आएगा छाटा क्योंकि तुमने गलत रिप्लाई किया हाँ किसने रिप्लाई किया था स yes, गलती कर दी बेटा मैंने क्योंकि अब तुम सबको इन आंसर्स को अपने कमेंट्स को चेंज करना पड़ेगा आपसे मैंने पूछा फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन इकोलाई इकोलाई में कितने न्यूक्लियोसोम होते हैं एक मैंने आपको एज एन एग्जांपल यहां पर करके भी दिखाया था आ, कहां करके दिखाया था हाँ ये बेटा एज एन एग्जाम्पल मैंने यू में करके भी दिखाया था कि आपको न्यूक्लियोसोम का नंबर निकालना था आपने ये वाला फॉर्मूला लगाकर निक, नंबर निकाल दिया बट बेटा आप एक चीज ध्यान देना भूल गए ये था यू कैरियोट क्या था बेटा यू कैरियोट यू कैरियोट में मामला चल जाता है बट इन केस ऑफ इकोलाई ईकोलाई क्या है ईकोलाई e. तो बेटा जी प्रो हैं है प्रो के अंदर देयर आर नो न्यूक्लियोसोम्स यस yes, आंसर आना था जीरो एक बच्चे ने ठीक दिया था ओनली वन स्टूडेंट गेव द राइट आंसर ये तुम्हारा सारा मैथ देख लिया मैंने टू पॉइंट थ्री इंटू टेन टू पॉल फोर पॉल किया था ना वो सारे बच्चे अपने कॉमेंट को ठीक करके जीरो करके आना उसी वीडियो के कमेंट को ठीक करके तुम लोग जीरो करके आओगे नाक कटवा रहे हो तुम मेरी हाँ कोई कमेंट पड़ेगा क्या बोलेगा क्या बोलेगा कि कैसे बच्चे हैं ये थोड़े होशियार बच्चे बना करो ठीक है जी

पिछला हर्ष एंड चेस का एक्सपेरिमेंट 53 में क्या आ गया था 1953 में बेटा वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर दे दिया था और वाटसन एंड क्रिक ने बेटा इस बारे में बता दिया था कि यार जैसे एक डीएनए के स्ट्रांग में यहां पर ए टी सी जी है ये तो बेटा फॉलो करते कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल यानी कि अगर मैं तुम्हें तो एक स्ट्रैंड दे दूं तो इसके सामने का स्ट्रैंड खुद से बन जाएगा उन्होंने कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल जो शारगाफ ने दिया था उसको अपने मॉडल में वो लेकर आए थे ये मॉडल यानी कि डीएनए रेप्लीकेशन फर्स्ट किसने प्रपोज की थी वॉटसन एंड क्रिक ने किसने दिया था बेटा जी मेरे साथ साथ याद करो वॉटसन एंड ने ठीक है जी तो अभी पहले हम एक्सपेरिमेंट में प्रूव करेंगे कि डीएनए रेप्लीकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है सेमी का क्या मतलब होता है हाफ कंजर्वेटिव मतलब बचा के रखना है ये कहते हैं कि मान लीजिए अगर इस तरीके से आपका एक डीएनए है ये एक एक ये स्ट्रैंड है और एक ये स्ट्रैंड है जब बेटा ये डीएनए रेप्लीकेट करेगा तो एक डबल स्टैंडर्ड से दो डबल स्टैंडर्ड बनेंगे ये कहता है कि यार जब ये डीएनए रेप्लीकेट करके डॉटर सेल बनाते हैं तो इसके पास इस डॉटर सेल के पास एक चला जाता है ब्लू वाला एक चला जाता है और एक बेटा जी स्ट्रैंड जो है ना वो नया बनता है वो क्या होता है नया बनता है तुम देख रहे हो देखो मैंने डीएनए वैसे तो ऐसे होता है हेलिकल मैं इसको सीधा सीधा बना रही हूं जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन अगर मेरे पास पेरेंटल स्ट्रैंड में दोनों ब्लू वाले स्ट्रैंड है

टेलर एटॉल एटॉल यानी कि उसकी टीम ने प्रूफ किया किसमें विशिया फेबा यानी कि बीन्स में जो कि प्लांट है प्लांट यानी कि है और एक बेटा प्रूफ हमें मिला मिसेल्स का केस ऑफ प्रोकेरियोट अब इस पूरे चैप्टर में बेटा ज्यादा डिटेल अपनी यूकेर की है नहीं हम रेप्लीकेशन भी डिटेल में, में प्रो करेंगे ट्रांसक्रिप्शन भी डिटेल में प्रोकेर की करेंगे और आगे भी सारी चीजें प्रोकेर के, के बारे में बात करेंगे तो डिटेल में अपन लोग प्रोकेर के बारे में बात करेंगे बट दिस वॉज एक्चुअली प्रूव्ड बाय हांजी लिख लेते हैं इसका प्रूफ पहला आपने लिखते हैं यू में किसने किया फिर अपने प्रूफ करेंगे प्रोकेरियॉट में किसने करा हां जी अगर मैं बात करूं यू किसने किया तो टेलर भाई साहब ने दैट इज टेलर एट ऑल यानी कि टेलर एंड इट्स टीम ठीक है जी इन्होंने किस पे काम किया था इन्होंने काम किया था विशिया फेबा पे ये किसको बोलते हैं विशिया फेबा दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रॉडबीन्स ठीक है किस पे काम किया था ब्रॉड बीन्स प्लांट हो गए ना तो प्लांट तो क्या होते हैं यूकेट होते हैं ठीक है देन इधर आ जाते हैं प्रोकेर में प्रोकेट में बेटा ये चीज प्रूव की थी मेल एंड स्टॉल ने मेसेल एंड स्टॉल ने इन्होंने किस पे काम किया था प्रोकेर पे प्रोकेर कौन सा लिया था बेटा जी इन्होंने ई को ठीक है जो विष्व फेबा वाला टेलर एटॉल थे टेलर एटॉल ने बेटा प्रूफ किया था एट क्रोमोजोमल लेवल किस लेवल पे प्रूफ किया था क्रोमोसोमल लेवल पे लेकिन मिसेलसन एंड स्टॉल ने इसको प्रूव किया था किस लेवल पे मॉलिक्यूलर डीएनए लेवल पर डीएनए यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पर इसको प्रूव किया था हमने डिटेल किसकी करनी है इस चैप्टर में प्रोकैरियोट की डिटेल करनी है तो मिसेलसन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट में, में आपको कराने वाली हूं रेडी है हां जी मेरे बच्चों मिसेलसन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट मैं आपको कराने वाली हूं ओके यस याद करते जाना बेटा मेरी क्लास में मेरी क्लास में आते हो तो साथ साथ याद करते जाओ डीएनए सेमी डीएनएटिव बोल बताया किसने डीएनए का एंड किशन सेमी कंजर्वेटिव नेचर किसने बताया प्रोकेटिव बेटा सेमी कंजर्वेटिव नेचर बताया था आपके से मैसेसन एंड स्टॉल ने जो हम अभी डिटेल में करने वाले यू में बताया था टेलर एटॉल ने जिन्होंने बिशा पेपर पे काम किया और क्रोमोजोमल लेवल पे इस बात को प्रूव किया तो अभी हम लोग करने वाले हैं मैसेल एंड से स्टॉल का एक्सपेरिमेंट ये yes, मेरे बच्चों एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है अगेन मैं बता रही हूं इस चैप्टर में एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मोलिकुलर लेवल पे प्रूव किया था सो एक्सपेरिमेंट ऑफ मेसेल एंड स्टॉल हां जी पहले समझना उसके बाद बेटा जी आप लिखना कहते थे कि जब डीएनए ट करेगा तो डॉटर सेल में एक स्ट्रैंड पेरेंट का आएगा एक स्ट्रैंड नया बनेगा इसके लिए इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज किया वो क्या यूज किया ई कोलाई यूज की क्या यूज की ई e. कोलाई को यूज किया अब मान लीजिए बेटा ये जो है आपका ई e. कोलाई का कल्चर लगा रहे हैं यहां पर एक प्लेट ले ली इस प्लेट में बेटा जी ई e. कोलाई का कल्चर लगाया ठीक है जी इस प्लेट में ये किसका कल्चर लगा रहे हैं ये लगा रहे हैं ई कोलाई का कल्चर बैक्टीरिया है बैक्टीरिया ग्रो करेगा लेकिन बेटा ये एक ऐसी प्लेट है जिसमें इन्होंने न्यूट्रिएंट मीडियम दोगे कोई भी बैक्टीरिया तभी ग्रो करेगा जब न्यूट्रिएंट मीडियम दोगे यहां पर जो आपने न्यूट्रेंट मीडियम दिया हुआ है वो दिया हुआ है एन ये जो नाइट्रोजन है दिस इज है नाइट्रोजन आपने जो यहां पर न्यूट्रिय मीडियम दिया उसमें आपने हेवी आइसोटोप यूज किया है नाइट्रोजन का माइंड इट बेटा दिस इज नॉट रेडियो एक्टिव आइसोटोप पिछले क्लास में हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किए थे एस थर्टी फाइव पी थर्टी टू ये रेडियो एक्टिव नहीं है ये हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का अगर मान लो ये N14 चौदह ले लेता तो ये नॉर्मल था जो नाइट्रोजन होता है तुम्हें केमिस्ट्री में पता है अब इसी को मैं हैवी ले लूंगी तो क्या हो जाएगा एन पंद्रह यानी कि इसने जो ऊ को यानी कि बैक्टीरिया ग्रो किया वो कौन से वाले मीडियम में ग्रो किया हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया वाले uh, मीडियम में इसको ग्रो किया इसका मतलब है जब ई कोलाई e. को कुछ देर के बाद देखेगा तो यार ई e. कोलाई के सारे स्ट्रैंड्स में इमेजिन करो ये कोलाई e. के डीएनए का एक स्ट्रैंड है ये इसका दूसरा स्ट्रैंड है, इसके सारे स्ट्रैंड में कौन सा वाला नाइट्रोजन फिट हो जाएगा एन फिफ्टीन और एन मानते हो मतलब एक मीडियम में इसने नाइट्रोजन सारा हैवी वाला डाल दिया उसमें कह रहे हैं बैक्टीरिया तुम ग्रो करो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई 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 मतलब वो एन फिफ्टीन लेता जा रहा है लेता जा रहा है लेता जा रहा है अब उसके डीएनए में कौन सा वाला नाइट्रोजन आ गया हैवी वाला नाइट्रोजन अंदर फिक्स हो चुका है सो दिस इज दिस इज बेटा जी हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन ये क्या है हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन ठीक है मजे से ग्रो कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है अब आपने इस डी इस प्रो यूकोलाई को क्या किया? किया क्या किया बेटा जी सेंट्रीफ्यूज किया तो मैं इसको अगले पेज में बनाती हूं मैंने बेटा जी इकोलाई लिए समझ गए सबसे पहले मैंने यहां पर ई e. कोलाई लिया ई e. कोलाई का मीडियम कैसा रखा एन फिफ्टीन या एन फोर्टीन तो तुम बोलोगे यहां पर e. का मीडियम मैंने क्या रखा N15 वाला रखा और जब मैंने इस ऑफ नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया को सेंट्रीफ्यूज किया तो भैया भारी चीज है भारी चीज नीचे बैठेगी ऊपर आएगी बताओ भारी चीज है भारी चीज नीचे बैठेगी या ऊपर आएगी बताओ तुम खुद बताओ कोई भी तुम मिक्सी करते हो किसी भी चीज को तो वट एवर हैवी पार्ट इज गोइंग टू सेटल डाउन और जो लाइट वाली चीज है वो ऊपर तैरती हुई नजर आ जाएगी है ना तैरती हुई नजर आ जाएगी तो यहां पर ये जो नाइट्रोजन का आइसोटोप मैंने यूज किया वो भारा है हैवी है उसके नाम में हैवी है यानी कि दैट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन इज गोइंग टू सेटल डाउन ऑन द दिस साइड थोड़ा हैवी वाली साइड नीचे को सेटल डाउन होगा लेकिन हमने नॉर्मल सेंट्रिफिकेशन नहीं की

नीचे की साइड पर ज्यादा सीजियम बैठ जाएगा हैवी वाला और ऊपर की साइड पर थोड़ा बहुत सीजियम हमें दिखाई देगा यानी कि अगर मैं इस ग्रेडियंट की बात करूं ग्रेडियंट का मतलब है एक साइड पर सीजियम का जो मात्रा है सीजियम पॉजिटिव होता है ना टू पॉजिटिव तो नहीं होता हां यहां पर ज्यादा है और दूसरी साइड पर सीजियम की जो मात्रा है वो क्या है कम है इससे तुम्हारा वैसे ज्यादा लेना देना नहीं है बस तुम्हें ये याद रखना है कि हमने किसका यूज किया सीजियम क्लोराइड का इन द जो भारी चीज है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी यहां पर सारा का सारा डीएनए भरा हो चुका है क्योंकि हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन का यूज हुआ है दैट मीन जो यहां पर सेटल डाउन होगा वो इस जगह पर होगा नीचे की साइड पर होगा गॉट इट मेरे बच्चों इज दिस क्लियर Is this clear? क्या कहने का मतलब है कि अभी मेरे पास जो दोनों स्ट्रैंड है डीएनए के ई के ईकोलाई के वो हैवी हैं, है ना हैवी हैं क्योंकि भैया प्लेट में सारा का सारा मीडियम हैवी था ठीक है सारा का सारा मीडियम क्या था हैवी था अब आपने क्या किया अब मामला आपने जो है वो चेंज कर दिया अब इस प्लेट में आपने दूसरा मीडियम डाला जिसमें आपने ऐड किया नॉर्मल आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन नॉर्मल आइसोटोप बेटा जी कौन सा है दैट इज और फिर कहा बैक्टीरिया को तुम ग्रो करो अगली जनरेशन के लिए बीस मिनट दिए और कहा कि तुम ग्रो करो जब बेटा ये अगली जनरेशन में जाएगा ग्रो करेगा यानी कि ये वाले दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड अलग होंगे देख लो यहां पर पेरेंटल स्ट्रैंड बेटा जी मैंने यहां पर क्या कर दिए अलग कर दिए और इनके साथ अब एन फोर्टीन वाला एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा देख रहे हो तो ये जो पिंक कलर का मैंने बनाया, बनायान और ये जो नया स्ट्रैंड बना है वो नए मीडियम की वजह से बना है क्योंकि अब तुमने एन फोर यहां पर डाल दिया अब जरा इसको देखो ध्यान से ये कैसे? है ये डॉटर सेल्स कैसे है इसको देखिए एक पेरेंटल है एक नया बना है एक पेरेंटल है एक नया बना है यानी कि बेटा ये हमारे पास क्या बन चुके हैं ये हमारे पास बन चुके हैं हाइब्रिड इसको हाइब्रिड बोल सकते हैं बोल सकते हैं ना आधा आधा बन गया ना हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन आधा इधर का आ गया आधा नया बन गया ठीक है हाइब्रिड अब हाइब्रिड को अगर तुम देखोगे सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट पर तो तुम बताओ इसका सेटल डाउन कहां होगा नीचे कर दू ऊपर कर दू या बीच में कर दू कहां सेटल डाउन करूं इसको यस बताइए कहां सेटल डाउन करूं अगर भैया 15 15 15 15 होते सारे हैवी होते तो हम नीचे कर देते 14, 14, 14, 14, 14 होते तो हम कहां कर देते ऊपर तो कर देते लाइट अच्छा था लेकिन यहां पर एक फिफ्टीन एक फोर्टीन एक फिफ्टीन एक फोर्टीन यानी कि यहां पर मेरे पास हाइब्रिड बन रहा है यहां पर जो इसका सेटल डाउन होगा वो कहां पर होगा इस जगह पर होगा बीच में होगा ठीक है जी यस yes. ये काम कब हुआ जब हमने इसको कम से कम कितना समय दिया ट्वेंटी मिनट दिए ट्वेंटी मिनट्स में बेटा ये कर जाता है अब कह रहे हैं तुम एक बार और इसकी डिविजन कराओ ये जो तुमने बनाया ना इसकी एक बारी और डिविजन कराओ एक और इसको ट्वेंटी मिनट और दो यानी कि टोटल में इसको फोर्टी मिनट्स दीजिए और एक डिवीजन और कराइए अब बताओ क्या होगा फोर्टीन में मीडियम इज फोर्टीन ओनली एक डिवीजन और कराइए तो मैं इन चारों को अलग कर देती हूं सिंपल ठीक है इसको वैसे डंडी की तरह बना रही हूं तो ऊपर वाले जब अलग किए तो एक तो ये बन गया एक ये बना ठीक है नीचे वाले जब अलग किए स्ट्रैंड स्ट्रैंड तो एक ये बन गया और एक ये बन गया फिर बेटा जब एप्लीकेशन हुई तो इसके सामने भी व्हाइट वाला आ गया इसके सामने व्हाइट वाला इसके सामने व्हाइट वाला और इसके सामने व्हाइट वाला यानी कि मेरे पास टोटल चार डॉटर डीएनए बनेंगे और इन चार डॉटर डीएनए में से दो मुझे क्या दिख रहे हैं क्या दिख रहे हैं चौदह चौदह वाले भी और ये रेड वाला आपका पंद्रह है। ठीक है तो दो मुझे हाइब्रिड दिखे और दो मुझे कैसे दिख, दिख रहे हैं लाइट वाले डीएनए दिख रहे हैं ये वाला कैसा था हैवी था ये वाला बेटा जी कैसा था हैवी था समझ रहे हो यानी कि 40 मिनट देने के बाद मुझे टोटल चार मिले चार में से दो हाइब्रिड थे और दो लाइट थे बताओ इसका सेंट्रिफिकेशन में ग्रेडियंट कहां बनाए यस ग्रेडियंट कहां बनाए ग्रेडियंट बेटा जब मैंने बनाकर देखा तो यार हाइब्रिड वाला सेंटर में है ना एक तो मुझे यहां पर दिखेगा और एक मुझे कहां पर दिखा यहां दिखा लाइट वाला ऊपर की साइड पर ठीक है एक मुझे कहां पर ऊपर के साइड पर दिखा एक्चुअली में सेंट्रिफिकेशन के बाद वो स्ट्रैंड वाले निष्कर्ष पे आए थे मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि यार सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव मीन्स वेन एवर डीएनए डिसाइड्स टू रेप्लीकेट और डिवाइड इसके दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं और इन पेरेंटल स्ट्रैंड के सामने नया स्ट्रैंड बनता है तो आधा पेरेंट का रहता है डॉटर में और आधा नया बनता है इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए यस क्या ये सब समझ आया सबको कि मैंने क्या, कैसे डेंसिटी ग्रेडियंट पे इसको प्लेस किया एक क्वेश्चन पूछ लूं बताइए एक क्वेश्चन पूछ लूं स yes, मेरे बच्चों एक क्वेश्चन पूछ लो तो क्लियर हो जाएगा कि मुझे, मुझे पता चल जाएगा तुम्हें समझ आया कि नहीं हां जी एक क्वेश्चन पूछ लू चलो अभी के अभी सॉल्व करेंगे अभी के अभी सॉल्व करेंगे कह रहे हैं एक तुम्हारे पास हाइब्रिड डीएनए अब मैं तुम्हें होमवर्क में नहीं दूंगी यार तुम्हें अगर मैंने सवाल होमवर्क में दे दिया तो तुम पोपट करा देते हो कमेंट्स में है ना पोपट नहीं कराना अब तो एक हाइब्रिड डीएनए है जिसको आप क्या कर रहे हैं रेप्लीकेट करा रहे हैं इट इज अलाउड टू रेप्लीकेट जेनरेशन इन एन फोर्टीन एक जेनरेशन बेटा आपने रेप्लीकेट कराया एन फोर्टीन में एंड फॉर सेकेंड जेनरेशन इन एन फिफ्टीन ठीक है सेकेंड जेनरेशन में इसको रेप्लीकेट कराया आपने एन फिफ्टीन में अब बताइए उसके बाद रेशो बतानी है आपको लाइट परसेंटेज बताना लाइट का यू हैव टू फाइंड आउट फाइंड आउट कितना लाइट का परसेंटेज है कितना हाईब्रिड बनेगा और कितना हैवी बनेगा चलो कॉपी में बना के देखो यस मेरे बच्चों निकालिए निकालिए कॉपी में बना के देखिए हाइब्रिड डीएनए आपके पास प्लीज क्वेश्चन स्टार्ट ठीक से करना अगर तुमने क्वेश्चन को स्टार्ट करने में गड़बड़ कर दी तो सब खराब यस मैं बताऊंगी यार आज डीएनए रेप्लीकेशन का प्रोसेस करना है जब डीएनए डीएनएकेशन का प्रोसेस करेंगे तभी तो बता पाऊंगी कि न्यू स्टैंड कैसे बनेगा अभी जस्ट आप ये बताइए कि, कि कितना परसेंट लाइट है हाइब्रिड एंड हैवी <laughs> गुड एक दो बच्चे ठीक आंसर दे रहे हैं एक दो बच्चे ठीक आंसर दे रहे हैं क्या मैं बनाना शुरू हाँ जी चलो मैं तुम्हारे साथ साथ शुरू करती हूं ये क्या कह रहे हैं आपको स्टार्ट कहां से करना है आपको स्टार्ट करना है इससे हाइब्रिड दिया हुआ है हाइब्रिड देने का मतलब है एक आपको स्ट्रैंड दिया हुआ है एन फिफ्टीन वाला और एक आपको स्ट्रैंड दिया हुआ नॉर्मल एन फोर्टीन वाला ठीक तो है, N14 वाला है. जी? तो में कैसे एक मामला होगा दोनों अलग हो जाएंगे तो एक को ऊपर रख लो और एक को तुम रख लो नीचे इसके सामने अब एन फोर्टीन वाला बनाना है क्या बनाना है एन फोर्टीन राइट तो मैंने ये बना लिया है ना ये फिफ्टीन ये फोर्टीन ये फोर्टीन ये फोर्टीन यहां तक मामला सही यानी कि अब फर्स्ट जनरेशन में एक तो मुझे क्या मिल गया हाइब्रिड मिल गया ये वाला मेरा हाइब्रिड है और ये मुझे लाइट वाला मिल गया लेकिन मुझे यहां तक रुकना नहीं है मेरे को दूसरी जनरेशन में भी जाना है तो दूसरी जनरेशन में मैं चल रही हूं दूसरी जनरेशन में, में मेरे पास क्या है, है वाला दे दिया यस एन फिफ्टीन इन्होंने दे दिया अब बताओ क्या होगा कुछ नहीं है सबको अलग कर दो यार पहले इन सबको अलग करके अलग अलग लिख दो तो ये एन फिफ्टीन देन ये देन ये देन ये ठीक है अब क्या बोल रहे हैं आपको एन फिफ्टीन वाला मीडियम लगा दिया मतलब नया स्टैंड एन फिफ्टीन वाला बनेगा ये माई राइट ये, ये, ये। Am I right? yes. 15, 15, 15, 15, 15। वाइट वाले को मैंने 14, 14, 14। यानी कि मेरे पास टोटल यहां पर चार दिखाई दे रहे हैं क्या कोई टोटल लाइट वाला है नहीं ये वाला क्या है हैवी दिस इज हैवी थ्री आर हाइब्रिड है ना एक हैवी बना पूरा और तीन क्या बन गए हाइब्रिड यानी कि अगर मुझे परसेंटेज लिखनी है तो लाइट की कितनी परसेंटेज है जीरो परसेंट हैवी की कितनी परसेंटेज है चार में से एक यानी कि ट्वेंटी फाइव परसेंट हाइब्रिड की, की कितनी परसेंटेज है चार में से तीन यानी कि सेवेंटी फाइव परसेंट जीरो ट्वेंटी फाइव सेवेंटी फाइव यस yes. क्या सबको करने आ गए हैं क्वेश्चन बताना वुड यू बी एबल टू सॉल्व इट अब तुम्हें कुछ भी दे दे कैसा भी दे दे कि यहां से स्टार्ट करो ये मीडियम रखो मीडियम के हिसाब से तुम तो अगला वाला स्टैंड बना लोगे है ना बना लेंगे चलिए आ जाए मेरे साथ यस yes, मेरे बच्चे एवरी वन फटाफट से सेशन को लाइक करके बता दो जिसका ये जिसको ये सवाल समझ आ गए अगर आपको ये सवाल समझ आ गए यानी कि एंड से इंस्टॉल का एक्सपेरिमेंट आप अच्छे से जान चुके हैं यस yes. अब हम मूव करने वाले हैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट है डीएनए रेप्लीकेशन का किसका है डीएनए रेप्लीकेशन का होमवर्क नहीं दूंगी तुम बेटा बहुत शातिर हो यस yes. इसमें बेटा दिमाग लगेगा आज दिमाग कहा है तुम्हारा आज दिमाग कहा है आज पीपीएफ लाए कि नहीं लाए मुझे नहीं लगता आज आप लोग पीपीएफ लाओ आधे लोगों को तो पता भी नहीं पीपीएफ क्या होता है है ना कैसे लाएंगे क्या इस क्लास में एनरोल कर लिया क्या इस क्लास में एनरोल कर लिया तुमने चेक करती हूं मैं किया कि नहीं नहीं किया यार छह बजे शुरू हो जाएगी शॉप छह बजे आज बिल्कुल टाइम पे और क्योंकि आज के जो एक घंटे के बाद जो अपना विनर आएगा इस क्लास में लीडर बोर्ड पे जो पहले नंबर पे आएगा उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट छोटा सा लेकिन काम की चीज है बड़े काम की चीज है कोई महंगी चीज बेटा नहीं दे रही हूं ठीक है इस उम्मीद में अगर तुम आ रहे हो तो मत आना सीखने के परपज से आओ और जो मैं तुम्हें दूंगी वो भी बिल्कुल सीखने के लिए दूंगी और बहुत ही ऐसी चीज है जिसका कोई मोल नहीं है मतलब इट विल हेल्प यू ठीक है तो पैसों के हिसाब से मत तोलिएगा बेटा राइट पैसे नहीं है मैडम के पास ज्यादा लेकिन मैम तुम्हारी काम की चीज देती है ज्ञान बहुत है ज्ञान दूंगी और जो चीज दूंगी उसमें भी ज्ञान भरा होगा ज्ञान की कमी नहीं है और जब आदमी के पास ज्ञान है पैसा खुद बर खुद आ जाता है ठीक है यस नहीं, नहीं। मैम की बुक तो अभी अगस्त में आनी अभी तो आई नहीं है जिस दिन वो आ गई उस दिन तो रोज रोज क्विज लूंगी और रोज एक बुक दिया करूंगी वो तो बेटा मैं चाहती हूँ कि मैं मैक्सिमम बच्चों को दे पाऊं और फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाऊं जितना मुझे जितना मेरे लिए पॉसिबल हो पाएगा ठीक है यस मनीष यादव गूगल पे लिखी हुई हर आदमी की सैलरी टू नहीं होती है हाँ सी पहुंचा सैलरी सीप पहुंचा ये सी पहुंचा बर्थडे ये वो जो तुम सर्च करते हो ना तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने वो आर्टिकल बनाया ऐसा है नहीं बेटा ऐसा होता तो मैं आज यहां होती हम नॉर्मल मास्टर हैं ठीक है अब तुम देख लो मास्टर क्या कर सकते हैं ओके जी गूगल पे सब फेक है मेरे ज्ञान के अलावा बस तू मेरा लिंक री चेक किया करो गूगल पे मेरे टेलीग्राम चेक किया करो और कुछ मत देखा करो गूगल पे गूगल इज लाइक एवरीथिंग रॉन्ग सबके बारे में रॉन्ग ठीक है यस yes. हां जी तो डीएनए एप्लीकेशन कैसा प्रोसेस है अभी जस्ट हमने देखा कि डीएनए एप्लीकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है अब बेटा अगले बीस मिनट मुझे कोई बच्चा बात करता हुआ नहीं चाहिए कोई भी बच्चा बात करता हो नहीं चाहिए लेकिन मैं ये भी तुमसे नाराज हूं कि यार जितने बच्चे प्रेजेंट है उतने लाइक्स नहीं दिख रहे हैं तो फटाफट -फड़ से लाइक कर दो जब तक मैं अगला वर्ड लिख रही हूं नाराज मत करो सेमी कंजर्वेटिव होता है और बेटा जी सेमी डिस्कॉन्टिन्यूस ये मैं अभी प्रूव कर दूंगी आफ्टर द प्रोसेस अभी के लिए लिख लीजिए डीएनए रेप्लीकेशन बेटा जी दोनों दिशाओं में चलता है यानी कि इट इज बाई डायरेक्शनल मैं अभी आपको दिखाऊंगी बनाकर इट इज बाई डायरेक्शनल इन नेचर ठीक है बाई डायरेक्शनल इन नेचर डीएनए एप्लीकेशन हमेशा एक स्पेसिफिक दिशा में होगा दिशाहीन नहीं है इसका जो दिशा है इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज अकर फ्रॉम फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम कहां से कहां पर होगा फाइव प्राइम से थ्री प्राइम तक ही जाएगा कभी भी ये उल्टा नहीं होगा तुम कभी भी रेप्लीकेशन बेटा जी ऐसे होते हुए नहीं देखोगे थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम नहीं देखोगे हमेशा किस डायरेक्शन में होती है प्राइम प्राइम टू ही होती है अब डीएनए ऐसे नहीं कि किसी भी पॉइंट पे स्टार्ट हो गई नो no, एक स्पेसिफिक जगह होती है डीएनए में जहां से ये प्रोसेस चालू होता है उस स्पेसिफिक जगह को हम लोग बोलते हैं ओ आर आई ओरी बोल लो ओराई बोल लो दिस इज बेसिकली ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन क्या है ये ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन तो डीएनए रेप्लीकेशन ओ आर आई से ही स्टार्ट होगी ऐसे कहीं से भी स्टार्ट नहीं होगी जैसे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट ये मान लीजिए आपके पास क्या है प्रोकैरियोट है ठीक है जी ये क्या है आपके पास प्रोकैरियोट है अब प्रोकैरियोट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ओ आर आई होगा क्योंकि इनके पास कैसा डीएनए है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट दे हैव डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जो मैंने बनाया डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इसका मान लो ये वाला क्या है ओ है इस ओ से जो डीएनए डीएनएप्लीकेशन है वो चालू होगी चालू होने का मतलब है यहां पर आकर ये स्ट्रैंड ऐसे खुल जाएगा ये देखिए ठीक है ऐसे हो जाएगा मामला यस ओ के पास मामला ऐसे हो जाएगा सो ये आपका ओ था तो यहां से डीएनए एप्लीकेशन बेटा इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी इसीलिए मैंने यहां पर इसको लिखा है इट इज बाई डायरेक्शनल इन नेचर यही लिखा ना बेटा बाई डायरेक्शनल इन नेचर और बेटा जी प्रो के में सिर्फ और सिर्फ एक ओ आर आई होता है क्यों उसको चाहिए नहीं यार ज्यादा छोटा सा तो उसका डीएनए डबल है की क्या करेगा उसके पास बस एक जगह है जहां से एप्लीकेशन चालू होती है लेफ्ट भी चल देगी और राइट भी चल देगी ठीक है लेफ्ट भी चल देगी और राइट भी चल देगी लेकिन अगर मैं बात करूं यू केरेट की अपने पे मामला इतना सिंपल नहीं है हमारे में क्या है हमारे पास डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए ये देखिए डबल स्टैंडर्ड लीनियर यहां पर जो ओ आर आई है वो मल्टीपल है जैसे ये 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 जहां जहां पर रेप्लीकेशन होगी वहां पर डीएनए के स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं अलग हो जाने का मतलब है द सीन विल बी लाइक दिस ठीक है जहां जहां पर ओ आर आई आया वहां पर ये अलग हो गया ठीक है यस yes, मेरे बच्चों ये बात समझ आई और यहां पर भी जो रेप्लीकेशन हो रही है वो दोनों दिशा में हो रही है इधर भी इधर भी यानी कि दोनों में क्या है बाई डायरेक्शनल है ये यह यहां लिखा हुआ है मैं बारी बारी नहीं लिख रही हूं बाई डायरेक्शनल है याद रखना है प्रो के रेट सिंगल ओ आर आई यू के में सेवरल ओ आर आईज वुड बी देर वुड बी देर ठीक है जी यस अब इस डीएनए की रेप्लीकेशन में अपन को चाहिए क्या क्या वट आर द रिक्वायरमेंट्स जैसे बेटा आज मैं अगर तुमको बोलू तुमको बनानी है क्या बनाओगे शाम को क्या बनाते हो समोसे समोसे बनाओगे बेटा कह रहे मैम समोसे तो बड़े टफ है चाय बनाने को बोल दो या फिर हम मैगी वैगी बना लेते हैं यस क्या बनाए क्या बनाना चाहते हो हाँ जी कुछ तो बनाना है यार आज एक डिश बनानी है तुम लोगों ने एक डिश तुम्हारे हाथों से मुझे बनानी है और उस डिश के लिए मुझे चाहिए इंग्रेडिएंट्स क्या बनाओगे सबसे आसान बड़ा पाओ बेटा ये मैडम कोई नहीं आता मैं तुम्हें क्या डिश बनाने से खाऊंगी हाँ क्या बनाएंगे हाँ सब बच्चे बड़ी आसान सी चीज लेके आए मैगी बनाएंगे मैगी बनाने के लिए तुमको इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए होती है? अब बड़ी सिंपल सी बात कर देंगे कह रहे मैगी चाहिए ठीक है बेटा बड़े इंटेलिजेंट तो आप मैगी तो चाहिए और क्या चाहिए पानी चाहिए नमक चाहिए मसालदानी चाहिए है ना जिसमें उसी में, में नमक हल्दी लाल मिर्च एंड एवरी सूखा मसाला वेट भी देर ठीक है इसको और अच्छा बनाना है तो प्याज भी चाहिए और बढ़िया बनाना है तो टमाटर भी चलेगा ऑल द टमाटर सौ रुपए किलो है फिर भी बेटा चलेगा नहीं तो मैगे मजा नहीं आएगा हरी मिर्च चाहिए और क्या चाहिए यस yes, और क्या मुझे को चाहिए बटर चाहिए और इसको क्रीमी बनाने के लिए तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स अपने को चाहिए वैसे ही बेटा डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमारे को बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं मैगी बनाने के लिए रिक्वायरमेंट्स देख ली अब बेटा जी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मेरे को क्या क्या चीजें चाहिए सबसे पहले मैगी बनाने के लिए मैगी चाहिए थी तो डीएनए बनाने के लिए डीएनए का टेम्पलेट तो चाहिए है ना डीएनए का टेम्पलेट लगेगा यस अब मैंने बताया जब भी डीएनए रेप्लिकेट करेगा आपको उस जगह से आर आई वाली जगह से इसको अलग करना है अलग करने के लिए जोड़ने के लिए हमको चाहिए होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स क्या चाहिए होते हैं एंजाइम्स एंजाइम्स में बेटा सबसे पहला नंबर जो आता है वो किसका आता है जो इनको अलग करता है अलग करने वाला एंजाइम होता है क्या नाम है बेटा जी इसका हेलीकेज हेलीकेज क्या करेगा अनवाइंडिंग जैसे चिपका हुआ डीएनए उसको अलग कर दो दैट इज अनवाइंडिंग अनवाइंडिंग का काम कौन करेगा हेलीकेस अब बेटा जब डीएनए का हेलिक्स अलग हो गया है ये बिल्कुल लैला मजनू की तरह ये बिल्कुल हीर रांझा की तरह अब तुम हीर रांझा लैला मजनू रॉकी और रानी बंटी बबली इन लोगों को अलग कर दोगे क्या ये मान जाएंगे बताओ क्या मान जाएंगे नहीं इधर से इसके पापा खींच रहे हैं उधर से उसके पापा खींच रहे हैं मानते नहीं बेटा फिर से जाके जुड़ जाएंगे यानी कि हमको बीच में एक ऐसा चीज भी चाहिए ऐसा प्रोटीन भी चाहिए जो इनको दोबारा ना मिलने दे है ना दोबारा ना मिलने दे तो उसके लिए बेटा कुछ प्रोटीन लगेंगे जैसे कि मैं यहां पर लिख रही हूं एस एस बी पी प्रोटीन है बेटा सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन अभी मैं डायग्राम भी बनाऊंगी तब तुम्हें पता चलेगा बेटा ये कौन है इसके अलावा बेटा मुझे और एंजाइम्स चाहिए आई टेल अबाउट द फंक्शन लेटर ऑन प्राइमेज चाहिए ठीक है ये yes, प्राइमेज चाहिए डीएनए पॉलीमरेज चाहिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट डीएनए पॉलीमरेज चाहिए ठीक है और लाइगेस चाहिए लाइगेस चाहिए और टोपो आइसो चाहिए ये मैं अब आपको बनाकर दिखाऊंगी कि कौन सी चीज कहाँ चाहिए आज वो मूवी आई है ना बेटा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी तो आज रॉकी मैंने मूवी नहीं देखी ठीक है लेकिन उस मूवी को आज मैं स्टोरी बना दूंगी तुम्हारी यही हुआ होगा रॉकी और रानी अलग कर दिया माँ बाप आ गए बीच में ये वो तो सारी हम स्टोरी यहाँ पर बनाएंगे ठीक है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर चाहिए डीएनए को बनाने के लिए देखो मान लो तुम्हारे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है इसको समझना एक डीएनए का स्ट्रैंड है सामने वाला स्ट्रैंड तुमको खुद बनाना है जैसे एक मेथड तुम्हारे पास ए टी सी जी है सामने वाला स्ट्रैंड बेटा जी आपको खुद से बनाना है यानी कि ए के सामने तुम टी लेके आओगे इसके सामने ए लाओगे इसके सामने जी लाओगे इसके सामने सी लाओगे ये कौन है न्यूक्लियोटाइड है क्या है न्यूक्लियोटाइड है मतलब तुम्हें बहुत सारे न्यूक्लियो चाहिए होंगे तुम्हारे बॉडी में. में क्या क्या लगा होता था ठीक है इस शुगर के साथ बेस लगा होता था और इस बेस के साथ इस शुगर के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप लगा होता था दिस वॉज अ न्यूक्लियोटाइड क्या मैं इस न्यूक्लियोटाइड को बोल सकती हूं इट वॉज अ न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट यस yes, मेरे बच्चों क्या हम इसको बोल सकते हैं कि एक न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट है देखो पूरा का पूरा बोलेंगे तो न्यूक्लियोटाइड है लेकिन ये फॉस्फेट हटा दो इसको हम लोग क्या बोलते थे दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड अभी इस पे एक ही फॉस्फेट लगा है तो इसको बोल देंगे मोनोफॉस्फेट यस और नो कह रहे हैं ओपन हाईमर बेटा दिमाग बारबी और ओपन हाईमर में से बाहर लेके आओगे कि नहीं लेके आओगे कि बारबी में ही घुसा हुआ है हाय 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 चैन चैन बारबी यही करते हो यही देखते हो उससे बाहर आ ही नहीं रहा आपका दिमाग मैं ही पूछ रही हूं क्या इस पूरे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हाँ बोल सकते हैं ठीक है, है? न्यूक्लियोसाइड क्योंकि इतना हिस्सा होता है एक फॉस्फेट है बेसिकली मुझे चाहिए यही क्योंकि यही इसके सामने लगेगा इसके सामने ए वाला न्यूक्लियोटाइड टी वाला सी वाला जी वाला और सी वाला ठीक है लेकिन बेटा यहां पर न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट नहीं यहां पर न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट अपने को चाहिए होता है क्यों क्यों ये दो एक्स्ट्रा फॉस्फिट मैम आपने लगाए क्योंकि बेटा डीएनए इज एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव प्रोसेस मतलब एनर्जी चाहिए और एनर्जी इन्हीं से मिलेगी मुझे एक्स्ट्रा हाई एनर्जी बॉन्ड्स है, है यानी कि अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द सबस्ट्रेट फॉर डीएनए एन रेप्लीकेशन क्या सबस्ट्रेट होता है डीएनए एन रेप्लीकेशन के लिए तो तुम बोलोगे सबस्ट्रेट के तौर पर मुझे चाहिए ये वाला स्ट्रक्चर और ये मोनोफॉस्फेट नहीं है ये स्ट्रक्चर क्या है ट्राइफॉस्फेट। तो मुझे चाहिए न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है जी यस yes. तो ये जो है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ये सबस्ट्रेट की तरह तो एक्ट करेंगे ही पर साथ में एनर्जी भी देंगे क्या देंगे एनर्जी भी देंगे इनको शॉर्ट में मैं बोल देती हूं डीएनटीपीज हर टाइप की होंगी हर टाइप के होंगे बेटा Yes, DATP होगा डी सी टीपी होगा डी टी टी होगा डी जी टीपी होगा हर टाइप का होगा लेकिन अब मैं हर टाइप के बारे में बात नहीं करूंगी मुझे किससे मतलब डी एन टीपी ए के सामने टी आना है टी के सामने ए वाला आना है सी के सामने जी वाला आना है जी के सामने सी वाला आना है अभी बेटा मैगी का रॉ मटेरियल तैयार हो रहा है अभी तो बस प्याज काटे हैं सब्जियां लेके आए हैं मैगी बाजार से लेके आए हैं बनाया नहीं है अभी बनाएंगे हम ठीक है यस तो सबस्ट्रेट प्लस एनर्जी दोनों किससे मिलती है हमको डी एन राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सब बच्चे ये साइड लिखेंगे टाइड मत लिख देना टाइड लगा दोगे तो बेटा टाइड की टाइड ऑलरेडी अपने आप में ये है इसके साथ तो दो ही फॉस्फेट है है ना तो साइड ट्राइफॉस्फेट बोलेंगे यस और नो यस और नो मेरे बच्चे बताएं फटाफट यस जी शुरू करें प्रोसेस शुरू करें किससे शुरू करें रॉकी और रानी से शुरू करें बंटी और बबली से शुरू करें बताओ यहां तक समझ आया अगले, अगले वाली स्लाइड में एक एक चीज तुम्हें आनी चाहिए यस yes. तो तुमसे पूछा जाएगा इज वबस्ट्रेट फॉर डीएनए सिंथेसिस तुम बोलोगे डिओक्सी राइवो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट विच सब्सट्रेट प्रोवाइड एनर्जी फॉर डीएनए सिंथेसिस अगेन द आंसर विल बी डिओक्सी राइवो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्टेट ठीक है जी यस एन ये एस थ्री गलत लिख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट कुछ नहीं बोलते हम ऐसा कोई नाम नहीं होता है ठीक है जी चलिए रॉकी और रानी की प्रेम कहानी वही शुरू करनी पड़ेगी तो मान लो भैया डीएनए में तुम्हारे पास कितने स्ट्रैंड है तुम बोलोगे मेरे पास डीएनए में दो स्ट्रैंड हैं ठीक है यस yes, तो डीएनए में मेरे पास दो स्ट्रैंड है इन दोनों स्ट्रैंड से अगर मुझे रेप्लीकेशन करानी है तो इनको पहले खोलना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा खोलना पड़ेगा ये मैंने यहाँ पर इनको खोल दिया याद रखना है जो प्राइमिंग है जो डायरेक्शन है वो मैंने ली दिस स्ट्रैंड इज थ्री प्राइम टू तो फाइव प्राइम तो सामने वाला स्ट्रैंड क्या हो जाएगा फाइव प्राइम टू तो थ्री प्राइम इसको बेटा जी किसी ने तो आकर खोला होगा कोई तो एंजाइम आया होगा जिसने बेटा जी इसको आकर खोला आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया दिच ओपन अनवाइंडिंग कराई जिसने रॉकी और रानी को अलग किया वो कौन है यस वो कौन है रुको मैं इसको ऐसे बनाती हूं ये एंजाइम आया इसने बेटा जी यहां पर क्या कराई अनवाइंडिंग कराई ये एंजाइम कौन है तुम बोलोगे ये और कोई नहीं ये कौन है हेलीकेस ठीक है हेलीकेस हेलीकेस की मदद से बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो हाइड्रोजन बॉन्ड हमने तोड़े और डीएनए के स्ट्रैंड को अलग करा दिया ये क्या किसी भी रैंडम साइट पे कराया है नहीं ये काम हमने ओ पे कराया है ओरी पे कराया ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन पे हमने ये काम कराया है देखिए बेटा वैसे तो डीएनए की जो रेप्लीकेशन है वो दोनों साइड पे चलेगी ये देखो ओ आ रही है इधर भी चलेगी इधर भी चलेगी बट सिंप्लीफिकेशन के लिए अभी मैं आपको हाफ वाला हिस्सा ही दिखा रही हूं सिर्फ इतना हिस्सा दिखा रही हूं बेटा ये yes, सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने ऐसे रेप्लीकेशन फोक बनाया दिख रहा है सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसे बनाया एक्चुअली में इधर भी चलती है बट हम अभी एक साथ नहीं करेंगे अभी बेटा जी हम एक साइड वाला ही ड्रॉ कर रहे हैं ठीक है ठीके? एक साइड वाला ही ड्रॉ कर रहे हैं तो हेलीगेज है आया हेलीगेज ने बेटा दोनों स्ट्रैंड को अनवाइंड कर दिया और अलग कर दिया बट मैंने जैसे तुम्हें बताया अगर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है तो ऐसा तो है नहीं बेटा उनमें इतना कच्चा प्रेम था कि वो एक बार ही अलग हुए मान गए नहीं वो दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे है ना बेटा जी वो दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे फिर बेटा फादर साहब क्या करेंगे दो बड़े बड़े हट्टे खट्टे बाउंसर रखेंगे क्या रखेंगे बेटा जी हट्टे खट्टे यहां पर बाउंसर रखेंगे बाउंसर पता है ना क्या होता है जैसे yes, बड़े-बड़े मोटे-मोटे बड़े बॉडीगार्ड टाइप बाउंसर रखेंगे और ये बाउंसर को कहेंगे तुम्हें ल रॉकी और रानी पे निगरानी रखनी है कि कहीं ये दोबारा से जुड़ ना जाएं इन बाउंसर्स को हम लोग बोलते हैं एसएसबीपी दैट इज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ये कोशिश करेगा कि मैं सिंगल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड ही रखूं ठीक है देखो हेलीकेज ने डबल स्ट्रैंड को सिंगल में कर दिया था यहां पर एक वाई शेप स्ट्रक्चर बना दिया जिसको हमने बोला रेप्लिकेशन फोक ठीक है जी लेकिन बेटा ये इतनी आसानी से तो अलग नहीं होंगे जुड़ने की कोशिश करेंगे इनको फिर कौन रोकेंगे रोकेंगे ये बेटा रोकेंगे, जिनका नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन यानी कि ये क्या है दे आर कॉल्ड एज हेलिक्स डिस्टेबिलाईर ये उसको डिस्टेबिलाईज करके रखेंगे है ना दीज आर हेलिक्स डी स्टेबलाइजर्स यस yes. क्योंकि अगर हेलिक्स स्टेबलाइज हो गया तो दोबारा से डबल बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड बन गया डबलिकेशन हो नहीं पाएगी अपने को दोबारा से नहीं बनने देना है जोड़ने नहीं देना स्ट्रैंड को अलग करके रखने का काम कौन करेगा बेटा जी एस एस बीपी करेंगे ठीक है जी यहां तक मुझे पता चल गया कि ये क्या करेंगे दे विल बाइंड टू ईच स्ट्रैंड इन अ टेट्रामर फॉर्म तभी बेटा मैंने यहां पर चार बाउंसर लगाए चार बाउंसर टेट्रामर फॉर्म में जुड़ते हैं और इनकी फर्दर दोबारा कॉइलिंग को प्रिवेंट करते हैं अब बेटा जब भी तुम किसी भी रस्सी के दो हिस्सों को अलग करते हो क्या रस्सी के पीछे वाली साइड टेंशन सा नहीं आ जाता ऐसे घुचड़ मुचड़ और टाइट हो जाती है, है कि नहीं यस ऐसा होता है या फिर नहीं होता है जैसे मान लो ये रस्सी ऐसे हेलिक्स था ठीक है ये ऐसे 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 हेलिक्स था इसको मैं थोड़ा सा हेलिक्स बना लेती हूं डीएनए की तरह मान लीजिए बेटा ये हेलिक्स था ठीक है जी ये हेलिक्स यहाँ पर एक जगह पर तुमने खोला ये देखो, रेप्लिकेशन फोक बन गया, खोला तो जनरेट हो गई और जगह पर रेप्लीकेशन कराने के लिए तुमने पीछे वाली साइड पर सुपर कॉइलिंग करके करा दी तो यार पीछे के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट जाएंगे बॉन्ड टूट गए ऐसा तो नहीं चाहते ना कि एक साइड रेप्लीकेशन करा दे दूसरी साइड तोड़ दे डीएनए को

टोपो आइसोमरेज ये टोपो आइसोमरेज किस को रिमूव करेगा सुपर कॉइलिंग को ठीक है इट इज गोइंग टू रिमूव द सुपर कॉइलिंग यस मेरे बच्चे टेंशन को रिलीज करेगा और पीछे जो सुपर कॉइलिंग हो गई है उसको ठीक करेगा टोपो आइसोमरेज को ही प्रोकैरियोट में क्या बोलते हैं जायरेज बोलते हैं ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर बना है कैसा शेप स्ट्रक्चर है ई शेप स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं रेप्लीकेशन फोक क्या बोलते हैं बच्चों फोक फोक बोल दिया तुमने यस yes, अभी मैंने प्रोसेस शुरू नहीं किया है प्रोसेस मैं अगले पेज में बे शुरू करूंगी ठीक है जी यहां तक क्लियर हो गया फंक्शन ऑफ एलिगेज यस थम्स अप बना दो फटाफट से फंक्शन ऑफ एस एस बीपी थम्सअप बना दीजिए फंक्शन ऑफ टोपो टोपाइसोमरेज फंक्शन बना दीजिए और थम्स अप बना दीजिए कह फंक्शन बना दीजिए अप बना दीजिए फटाफट पड़ से हाँ जी तीन अप दिखने चाहिए मुझे थ्री थम्स पर फॉर थ्री एंजाइम्स टू एंजाइम्स एंड वन प्रोटीन हांजी हेलीकेज टोमरेज तो एंड एस एस बी पी अब शुरू करते हैं द तो प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए को रेप्लीकेट करने के लिए मुझे बेसिकली सबसे काम कर सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम चाहिए और वो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा है डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो डीएनए को देखकर उसके सामने डीएनटीपीस लगाता है यानी कि अगर एक स्ट्रैंड में ए है तो डीएनए पॉलीमरे सामने से टी लेके आएगा इस स्ट्रैंड में सी है तो डीएनए पॉलीमरेस सामने से जी लेके आएगा यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज ये डीएनए के एक स्ट्रैंड को देख के नया बना लेता है मतलब ये कौन है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है डीएनए को देख के बना रहा है डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमर है है ना डीएनए को देखकर ही अगला स्टैंड बना सकता है ऐसे नहीं कि सामने आरएनए लगा दो तब डीएनए नहीं डीएनए को देखकर नया स्टैंड यहां पर बनाएगा लेकिन बेटा इसकी एक कमी है ठीक है ये ना चालू करने के लिए इसको थोड़ी चीटिंग करनी होती है खुद से नहीं चालू होता जैसे मान लो कि कोई आया कि मैगी बनानी मैगी बनानी हाँ ठीक है मैगी बनानी मैगी बनानी है लेकिन चालू नहीं कर रहा क्यों सब्जी नहीं काटना चाहता हूं यार ये छोटा मोटा काम सब्जी काटने का काम तुम कर लो कर्ची -वर्ची मैं हिला दूंगा स्टार्ट नहीं कर रहा है सब्जी जब तक नहीं काटोगे स्टार्ट कैसे करोगे मैगी बनाना सब्जी कैसे बनाओगे जब तक सब्जी प्याज टमाटर ही नहीं, नहीं काट रहे हो तो बेटा डीएनए पॉलीमरेज की एक कमी है कि वो काम तो कर देगा लेकिन उसको थोड़ा सा ना स्टार्ट कर दो सब्जी काट के दे दो बना देगा पूरा आटा गूंथ के दे दो रोटी बना लेगा ये काम है बेटा डीएनए पॉलीमरेज का इस कमी को हमें क्या करना है पूरा करना है ठीक है सो डीएनए कैन नॉट स्टार्ट द डीएनएस डी नोवो शुरू नहीं कर सकता है लेकिन एक बार शुरू करा हुआ थोड़ा सा दे दोगे तो आगे बहुत बढ़िया काम करेगा तेज़ तेज़, काम करेगा तो यहां पर मैं लिख सकती हूं डीएनए पॉलीमरेज के बारे में खास बात डीएनए हां जी, इनिशिएट नहीं कर सकता कैन नॉट स्टार्ट डीएनए सिंथेसिस सिंथेसिस को चालू नहीं कर सकता यानी कि डी नोवो प्रेपरेशन ये नहीं कर सकता इसको थोड़ा बहुत बड़ा बनाया हिस्सा चाहिए तो इसकी हेल्प करने कौन आता है तो इसकी हेल्प करने कौन आता है इसकी हेल्प करने आते हैं एक और एंजाइम जिनका नाम है प्राइमेज अब ये प्राइमेज कौन है प्राइमेज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है समझ रहे हो ये कौन है डीएनए डिपेंडेंट आर एन ए पॉलीमरेज है छोटा सा आरएनए बना देंगे डीएनए के सामने आर एन ए बना देंगे और वहां से फिर ये स्पीड पकड़ लेगा वहां से क्या करेगा डीएनए पॉलिमरेज स्पीड पकड़ लेगा मैं आपको डायग्राम में बनाकर दिखाती हूँ सब चीजें समझ आएगी घबराना नहीं है ठीक है तो बिल्कुल वैसे ही रेप्लीकेशन फॉग बना रही हूं यस जैसा पहले बनाया था बना लिया प्राइमिंग देख लो फटाफट से ये क्या था थ्री प्राइम ये वाला क्या था थ्री प्राइम फाइव प्राइम यहां पर फाइव प्राइम थ्री प्राइम मैंने बताया डीएनए रेप्लीकेशन किस दिशा में चलेगी मेरे बच्चों बताओ फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम या थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम अभी मैंने पीछे लिखा था मैंने आपको बताया था डीएनए एप्लीकेशन एक ही दिशा में चलती है और उस दिशा का नाम है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम यानी कि अगर मुझे इसको रेप्लीकेट कराना है तो मुझे भैया इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा दिस इज फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम ये तो बेटा पेरेंटल स्ट्रैंड है इसके सामने अगर नया स्ट्रैंड बनेगा तो ऐसे बनेगा इसके सामने अगर नया स्ट्रैंड बनेगा तो ऐसे बनेगा लेकिन क्या शुरुआत कर सकता है डीएनए पॉलीमरेज शुरुआत नहीं कर सकता तो सबसे पहले इसकी मदद के लिए कौन आया प्राइमेज आया और उस प्राइमेज ने यहां पर छोटा सा आरएनए बना दिया क्या बनाया छोटा सा आरएनए 5 प्राइम टू तो 3 प्राइम ये छोटा सा क्या है आरएनए है और इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमर बेटा लड़कियां आजकल मेकअप करती हैं है ना करती है ना हम भी करते हैं मम्मी भी करती है शायद आपकी सब करते हैं मेकअप एक अपने आप में आर्ट है जिसको आता है उसे करना भी चाहिए मेकअप करते समय एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि फाउंडेशन से पहले प्राइमर जरूर लगाए कितनी ऐड देखी है लड़कियों ने तो जरूर देखी होगी लड़कों का मुझे नहीं पता है ना टीवी पे यूट्यूब पे आजकल कितना मेकअप ट्यूटोरियल्स आते हैं उन ट्यूटोरियल्स में बोलते हैं कि मेकअप करने से पहले फाउंडेशन लगाने से पहले या क्रीम लगाने से पहले आप बेस बनाए बेस किसका बनाएंगे प्राइमर का बनाएंगे, बनाएंगे। सुना लख्मी को प्राइमर आ रहा है शुगर का का प्राइमर प्राइमर आ आ रहा रहा है है पता नहीं किस किस का प्राइमर आ रहा है। वो प्राइमर क्या है शुरुआत कर रहा है आपके मेकअप का बेस बना रहा है शुरुआत कर रहा है ये भी तो शुरुआत कर रहा है तो ये छोटा सा आर एन ए का स्टैंड किसने बनाया प्राइमेज ने बनाया तो प्राइमेज क्या बनाता है एक प्राइमर बनाता है प्राइमर क्या है आरएनए का छोटा सा स्ट्रैंड है इस आरएनए के छोटे से स्ट्रैंड में सिर्फ छ से दस बेसिस होंगे बस इतने से बेसिस होते हैं। एक बारी तुमने यहां पर प्राइमर बना दिया यहां बनेगा और मैं क्या बना रही हूं यहां बनेगा ठीक है ये प्राइमर बना लिया ये छोटा सा फाइव प्राइम दिस इज थ्री प्राइम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं बाकी का काम कौन सा संभालने लेगा डीएनए पॉलीमरेज अब बेटा आ चुका है सीट में डीएनए पॉलीमरेज तो फटाफट से डीएनए पॉलीमरेज ने देखा प्राइमर प्राइमेज ने मेरी मदद कर दी अब मैं फटाफट से यहां पर आता हूं ये बेटा डीएनए पॉलीमरेज आए इन्होंने क्या किया डीएनटीपी देखते गए और डीएनटीपी को यहां पर लगाकर जोड़ते गए ये जोड़ा फिर अगला जोड़ा अगला जोड़ा अगला जोड़ा अल्टीमेटली बेटा उन्होंने फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में ऐसे एक नया स्ट्रैंड बना लिया किस डायरेक्शन में बनाया फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम बन गया एक्सट्राइंड तेजी से बनता है बट आप स्पीड मैं भी लिखूंगी स्पीड आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि कितनी ज्यादा स्पीड है डीएनए पॉलीमरेज की बस इसको थोड़े से स्टार्ट करने वाला प्राइमर चाहिए था उसके बाद तो इसकी गाड़ी धूम 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 वाले बाईसाइकिल बाईसाइकिल धूम वाले मोटर बाइक की तरह चल पड़ती है अब इधर भी आया ठीक है इधर भी लगा ये लग गया डीएनए पॉलीमरेज This is also DNA polymerase. इसको धक्का लग गया है प्राइमर लगा दिया है प्राइमर जैसे ही लगाया बेटा डायरेक्शन में ये चल पड़ा. This is 5', this is 3'. ठीक है? चल पड़ा। पड़ा। ठीक है? अब बेटा इसकी कहानी तो चलो ठीक है चलता जा रहा है चलता जा रहा है ये तो बेटा यहाँ खत्म हो गया अब क्या करें अब क्या करें अब थोड़ा और खोलो स्ट्रैंड को है ना थोड़ा और पीछे से शुरू करते हैं इसको बेटा जी थोड़ा और खोला और खोला तो बेटा यहां पर इसने प्राइमर लगाया है ना क्योंकि प्राइमर तो किस दिशा में लगेगा 5 to 3 और फिर बेटा यहां पर डीएनए पॉलीमरेज आया डीएनए पॉलीमरेज आया इसने यहां पर फिर बेटा इस स्ट्रैंड को लंबा कर दिया अगेन फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम गॉट इट ऊपर वाला स्ट्रैंड तो बड़ी तेजी से बन गया तेजी से नीचे वाला स्ट्रैंड टुकड़ों तो में बन रहा है है ना टुकड़ों पहले इतना हिस्सा खुला था तो यहाँ प्राइमर लगा फिर थोड़ा और हिस्सा खोलोगे यहां प्राइमर लगेगा फिर थोड़ा और हिस्सा खोलोगे यहां प्राइमर लगेगा अब किसी इंटेलिजेंट आदमी के मन में कहीं ये डाउट तो नहीं आया कि मैम आपने इसका प्राइमर यहां क्यों नहीं लगा दिया किसके मन में ये डाउट आया बताओ कोई इंटेलिजेंट आदमी यस ये कौन है वुमेन वुमेन हां यदुवंशी दिमाग आपका कहां किधर किधर घूम रहा है ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हो बेटा ए? कपिल इंडिया पता नहीं क्या कर रहे हैं चाय की चुस्की भर रहे हैं ठीक है बेटा चाय पीजिए आप आप क्या करिए चाय पीजिए यस मैंने आपसे क्या पूछा क्या किसी इंटेलिजेंट आदमी के मन में कहीं ये डाउट तो नहीं आया कि यहां पर प्राइमर लगा देते मैम जैसे आपने यहाँ लगाया है आया आया तो बता दो सच बता दिया करो ऐसे झूठ बोलने कोई फायदा नहीं है सच बता दिया करो अगर आ जाता है तो हाँ जी अगर तुम्हारे मन में यह डाउट आ रहा है कि मैम प्राइमर आपने जैसे ऊपर यहां लगाया नीचे भी यहां लगा देते तो बुद्धू बच्चों प्राइमर भी किस दिशा में बनेगा फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम ही बनेगा यानी कि अगर मैं यहां पर प्राइमर लगाती इमेजिन करो तुम्हारे कहने पे मैं यहां पर प्राइमर लगाती तो यार ये फाइव प्राइम होता प्राइमर का ये थ्री प्राइम होता

इसीलिए हम प्राइमर यहां नहीं लगा सकते नहीं तो फाइव और फाइव सामने आ जाते फाइव और फाइव सामने नहीं आ सकते फाइव के सामने थ्री ही आना चाहिए इसी वजह से बेटा प्राइमर जब रेप्लीकेशन फोक जहां पर खुल रहा है बस वहीं पे लगा दो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम ऐसे आपने लगाया और डीएनए पॉलीमरेज भी ऐसे गया फिर थोड़ा सा और स्ट्रैंड खुलेगा तो पीछे लगाओगे और डीएनए पॉलीमरेज इस दिशा में काम करेगा यस मेरे बच्चों यस हां जी मेरे बच्चों बताइए क्या ये बात क्लियर हुई सबको क्या ये बात क्लियर हुई हाँ जी, इज इट क्लियर और नॉट अब मैम आपने यहां पर प्राइमर और ये बीच में ये लगा दिया देख रहे हो हाँ जी, प्राइमर आपने लगा दिया राइट right? बीच में तो गैप आ गया बीच में तो क्या आ गया बेटा जी गैप इस गैप को कौन भरेगा आके इस गैप को आकर कौन भरेगा इस गैप को आकर भरेंगे एक और एंजाइम जिनका नाम है डीएनए एन लाइकेस डीएनए लाइगेस like क्या करता है इस गैप को आके फिल करता है अल्टीमेटली बेटा डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहे हैं मैं आपको बता रही हूं डीएनए पॉलीमरेज बेटा जी इस स्ट्रैंड को डीएनटीपीज लगाकर सिंथेसाइज कर रहे हैं और बेटा पीछे का आरएनए हटाकर वहां पर भी डीएनए बना देते हैं इसको हटाकर यहां भी डीएनए बना देंगे लेकिन अब जो डीएनए होगा वो टुकड़ों में बन जाएगा इन टुकड़ों को जोड़ना है और इन टुकड़ों को कौन जोड़ेगा आके डीएनए लाइगेस ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलते हैं बेटा टेलीग्राम मेरे ही नाम से सी पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल तो वहां से जाके ले लेना ठीक है जी घबराना नहीं है नोट सब मिल जाएंगे अभी जितना फोकस है वो समझने पर करिए किस पे करिए समझने पर करिए ठीक है जी यस यस मेरे बच्चों हां जी क्या ये बात समझ आई क्या ये बात समझ आई अब बेटा जरा ध्यान दो ये जो तुम्हारा ऊपर की साइड पे सारा डीएनए बना ऊपर ये जो 5 3 बन रहा है तो नीचे तो वाले की फॉर्मेशन में ब्रेक आ रहा है ये जो ऊपर का मेरे पास स्ट्रैंड बना है जिसमें कोई भी ब्रेक नहीं आया है इस स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड क्या बोलते हैं बेटा जी इसको लीडिंग स्ट्रैंड क्या इसमें कोई ब्रेक आया कोई ब्रेक नहीं आया ये किस दिशा से किस दिशा में बना फाइव प्राइम टू प्राइम बना कोई ब्रेक नहीं आया कि ये वाला क्या है? है. बनता जा, रहे। जा रहे चलते जा रहे लेकिन जो नीचे वाला स्ट्रैंड बना ये देखो पहला ब्रेक यहां आया दूसरा यहां आया फिर आगे आता जाएगा ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड बेटा जी यहां पर बना है, ये, जो धीरे बन रहा है जिसमें ब्रेक आ रहा है इस को हम लोग बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड लैग कर रहा है ना लैग कर करना मैम लैग कर रहा है आपका कंप्यूटर जब मैं रुक जाती हूं तो लैग होता है दिस इज लैग लैग कर रहा है इसका जो फॉर्मेशन है ये ये किस दिशा में होगा यस yes. ये किस दिशा में होगा अब बेटा बात है तुम बोलोगे मैम लैगिंग स्ट्रैंड भी फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम है फिर मैं तुमसे अगर पूछूंगी लीडिंग स्ट्रैंड किसको देखकर बना लीडिंग स्ट्रैंड के टेम्पलेट को देखकर बना ये क्या है लीडिंग स्ट्रैंड का टेम्पलेट है लैगिंग स्ट्रैंड किसको देखकर बना लैगिंग स्ट्रैंड के लेट को देखकर बना दिस इज लैगिंग स्ट्रैंड का टेम्पलेट ठीक है बेटा template. अब अगर मैं तुमसे पूछू सबकी डायरेक्शन बताओ बताओ फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम है थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम है तुम तो बेटा धड़ल से बोल दोगे मैम सारे फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम है है ना मतलब एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए कि मैम लेफ्ट से देखूं या राइट right से देखूं तो मैं यहां पर पॉइंट ऑफ रेफरेंस लगा रही हूं बेटा ये मैं यहां पर पॉइंट ऑफ रेफरेंस लगा रही हूँ ये मेरा point of reference है। आपको इसी साइड से देखना है तो अब देखो क्या है को को अगर मैं इस इस वाले वाले देखो मेरे बच्चों, का जब मैंने देखा इस point of blue वाले से, तो यार क्या डायरेक्शन आ रही थी फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम आ रही है अब जरा लीडिंग के विद की डायरेक्शन देखो इससे ये आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है लीडिंग के विद की डायरेक्शन देखिए बताएंगे लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट जब तुमने लीडिंग स्ट्रैंड का टेम्पलेट इस दिशा में देखा तो क्या निकला थ्री प्राइम टू फाइव है ना इसका डायरेक्शन क्या है थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम यस मेरे बच्चों अब नीचे आ जाओ लैगिंग स्ट्रैंड की जरा डायरेक्शन देखो लैगिंग स्ट्रैंड, ये वाला येलो वाला लैगिंग स्ट्रैंड है और तुमको मैंने बता दिया ब्लू वाले से ही देखना है ब्लू वाले से ही देखना है तो लैगिंग स्ट्रैंड दिस वन इज लैगिंग स्ट्रैंड यहां से अगर तुम देखना शुरू करोगे इट इज गोइंग टू बी थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम और लैगिंग स्ट्रैंड का टेम्पलेट ये व्हाइट वाला इसको यहां से देखो इट इज गोइंग टू बी फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम यस मेरे बच्चों तो तुम्हें पोलैरिटी बनानी आ गई पोलैरिटी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखाना कि लेफ्ट से कभी चालू कर लिया किसी के लिए राइट से चालू कर लिया नहीं हमने एक रेफरेंस ले लिया है कि हम यहीं से चालू करेंगे इधर से जहां से हम वो खुला हुआ है रेप्लिकेशन फोक बना हुआ है इस दिशा से अगर तुम देखोगे तो पोलैरिटी सबकी क्या आएगी यस मैच करो तुम्हारी भी यही आ रही है ठीक है क्योंकि हमने इस डायरेक्शन से पोलैरिटी देखी ओहो यस इस डायरेक्शन से अपन ने पोलैरिटी को देखा है हां जी इज इट क्लियर इज इट मेरा, मेरा बच्चे क्लियर मैं अभी सारी चीज दोबारा एक्सप्लेन करूंगी बट ये छोटे छोटे बेटा आपको अच्छे से देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है कॉन्टिन्यूस और नीचे वाला स्टैंड देखिए बेटा टुकड़ों में बन रहा है पहले इतना बना फिर इतना बना इन टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं इन टुकड़ों को बेटा जी हम लोग एक नाम देते हैं दीज टुकड़ा फ्रेगमेंट मैं यहाँ एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना देती हूँ दोबारा ताकि यस yes, ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड का टेम्पलेट यस yes, ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड का टेम्पलेट ये आपका लैगिंग स्ट्रैंड का टेम्पलेट डायरेक्शन फटाफट से बनानी आनी चाहिए बेटा फटाफट से बनानी आनी चाहिए ऊपर वाला मैंने लिया थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम नीचे वाला लिया फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम यहां पर जो नया स्ट्रैंड बना यस yes, वो इस दिशा में बनेगा है ना दिस इज गोइंग टू बी फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एनसीआरटी वाला डायग्राम बना ली हूं. और यहां पर जो स्ट्रैंड बनेगा यहां से शुरू करते हैं यस yes. एक फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम ठीक है एक और बना यहां से शुरू किया फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एंड यहां पर भी बना ठीक है यानी कि ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है वो कॉन्टिन्यूसली बना है ये लीडिंग स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूसली बना है लेकिन ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है ये डिस्कॉन्टिन्यूअसली बना है ये जो छोटे छोटे टुकड़े तुमको दिखाई दे रहे हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं ओका जाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा जी इनको ओका जाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं यस yes. ये जो जोका फ्रेगमेंट है इनका साइज बेटा प्रो में अलग है वैसे तो अपन लोग प्रोकेर की ही बात कर रहे हैं ठीक है प्रो में देखेंगे तो इनका साइज होता है टू न्यूक्लियोटाइड ठीक है और अगर मैं यू केरेट में देखूंगी तो छोटे छोटे होते हैं यस अराउंड वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड न्यूक्लियोटाइड्स ठीक है जी यस वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड न्यूक्लियोटाइड्स ओके जी yes, यस yes, मेरे बच्चों बताइए इज इट क्लियर अब बेटा थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहती हूं अबाउट द टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वाला एंजाइम कौन सा था जिसने सबसे ज्यादा काम किया वन टू थ्री हां जी टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज हां जी मेरे बच्चों हमारे पास टोटल तीन तरीके के डीएनए पॉलीमरेज हैं डीएनए पॉलीमरेज नंबर वन डीएनए पॉलीमरेज नंबर टू रोमन न्यूमरल्स में इनको लिखेंगे एंड डीएनए पॉलीमरेज नंबर थ्री ठीक है तीन तरीके के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं प्रोकेरियॉर्ट्स में पोल वन पोल टू पोल थ्री शॉर्ट में बोल रहे हैं पोल वन पोल टू पोल थ्री हम यहां पर कौन सा वाला पॉलीमरेज यूज करके ये सारा काम करवाए जो ब्लू कलर का है ये पॉलीमरेज है कौन सा पॉलीमरेज यूज करके कराया बेटा जी वैसे तो ये काम तीनों कर लेते हैं इस काम को हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन क्या बोलते हैं पॉलीमराइजेशन ये पॉलीमराइजेशन किस दिशा में करता है यस yes, मेरे बच्चों ये पॉलीमराइजेशन पॉलीमराइजेशन प्राइम प्राइम टू करता है वैसे तो बेटा polymerization ये भी कर लेता है ये भी कर लेता है, ये भी भी कर कर लेता लेता है है तो बताओ किससे कराओ लड़ाई हो जाएगी हाँ जी क्या हो जाएगी लड़ाई हो जाएगी तो यहां पर हम देखते हैं स्पीड के हिसाब से स्पीड बेटा सबसे तेज पते किसकी है थ्री की थ्री की स्पीड बेटा अराउंड है टू थाउजेंड पेयर पर सेकेंड सोच रहे हो

अब बेटा कोई भी चीज अगर इतनी फास्ट चलेगी तुमको क्या लगता है गलती नहीं करेगी बताओ तुमको क्या लगता है ये गलती नहीं करता होगा गलती से मान लो इतनी तेज स्पीड है अब ए के सामने टी आना चाहिए ये स्पीड तो कम नहीं कर सकता इसके सामने सी है टी है ही नहीं तो ए के सामने सी निकाल लगा के चला जाएगा जो भी इसके पास है ना वो लगा के चला जाएगा यानी कि ड्यू टू दिस फास्ट स्पीड स्कोप ऑफ गलती इज देयर गलती करेगा नहीं करेगा बताओ गलती कराओ इससे अब बेटा अगर ये गलती करेगा तो इस गलती को ठीक करने के लिए कौन आएगा गलती को ठीक करने के लिए कौन आएगा भाई गलती को ठीक करने के लिए दूसरा पॉलीमरेज आएगा है ना उस एक्टिविटी को गलती को ठीक करने वाली एक्टिविटी को हम बोलते हैं एक्जो न्यूक्लियस एक्टिविटी क्या बोलते हैं एक्जोन्यूक्लियस एक्सो न्यूक्लियस का मतलब होता है गलती ठीक करना अगर टी के सामने ए आना चाहिए गलती से पोल थ्री ने यहां पर सी लगा दिया तो उस गलती को ठीक करना यानी कि सी को हटा के दोबारा से ए लगा देना ये जो एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी है ये दो दो टाइप की होती है एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी बेटा जी थ्री प्राइम टू तो फाइव प्राइम भी है एंड फाइव प्राइम तो टू थ्री प्राइम भी है क्या मतलब है इसका क्या मतलब है ये आ जाओ यहां से कंपेयर करते हैं इधर आ जाओ डीएनए पॉलीमरेज जो सबसे फास्ट है वो कैसे दौड़ रहा है ऐसे दौड़ ठीक है अब मैं कह रही हूं कि थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम है वो भी तीनों के पास है तीनों के पास होने का क्या मतलब है कि जब बेटा डीएनए पॉलीमरेज यहां फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम दौड़ रहे हैं उन्हीं के बगल में डीएनए पॉलीमरेज टू भी दौड़ रहे हैं और वो अचानक से देखेंगे जा रहे फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम सबसे तेज कौन जा रहा है पोल थ्री सबसे तेज जा रहा है उसके पीछे कौन लगा हुआ है पोल वन पोल वन जब यहां से निकला अरे बापरे पॉलीमरेज थ्री ने गलती कर दी वापस से पीछे जाओ इज थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम हम वापस से पीछे आए और उस गलती को ठीक किया गलती आ, ये वाली जो गलती है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है यानी कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है ये तीनों कर लेते हैं दिस इज बेसिकली प्रूफ रीडिंग ठीक है समझ पा रहे हो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी तीनों कर लेते हैं फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम में लेकिन प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ये सीधा चलते हुए भी कर सकते हैं लेकिन वो सिर्फ कौन कर सकता है पोल वन कर सकता है पोल टू और पोल थ्री नहीं कर सकते समझ गए मतलब तीनों पॉलीमरेज आगे जाते हुए पीछे की गलती ठीक कर सकते हैं थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम की गलती ठीक कर सकते हैं लेकिन सिर्फ एक पॉलीमरेज ऐसा है जो आगे की गलती भी देख लेता है पोल वन पोल वन आया अरे यहां पर प्राइमर लगा हुआ है प्राइमर तो आर है, आरएनए को हटाओ डीएनए लगाओ आर को हटाओ डीएनए लगाओ ये काम कौन करेगा डीएनए पोल वन करेगा यस yes, मेरे बच्चों क्या ये बात समझ आई जी। तो अगर कोई तुमसे पूछे मेजर पॉलीमरेज कौन सा है तो तुम बोलोगे द मेजर इज दिस वन क्यों क्योंकि इसकी स्पीड बड़ी फास्ट है ठीक है इसकी स्पीड बड़ी फास्ट है ठीक है जो पोल वन है वो कॉरेनबॉग ने डिस्कवर किया था इसीलिए इसको एंजाइम भी बोलते हैं क्या बोलते हैं एंजाइम भी बोलते हैं ठीक है जी कॉरनबॉग एंजाइम भी बोलते हैं फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एक्लियस एक्टिविटी से ये क्या करते हैं रिमूवल ऑफ प्राइमर प्राइमर को रिमूव करते हैं सीधा चलते हुए क्या रिमूव करते हैं प्राइमर को रिमूव करते हैं और थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम एक्टिविटी से क्या करते हैं प्रूफ रीडिंग करते हैं इससे क्या करते हैं प्रूफ रीडिंग करते हैं समझ गए प्राइमर भी तो रिमूव करने ना वो तो आरएनए से बना हुआ है है ना वो तो आरएनए से बना हुआ है तो डीएनए पॉलीमरेज अगर कोई तुमसे पूछे क्या फॉसफो बॉन्ड बनाता है या ब्रेक करता है यस बताओ डीएनए पॉलीमरेज क्या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है या ब्रेक करता है यस बताइए इनको बड़ी जल्दी है मैम ये चैप्टर कब कंप्लीट होगा बेटा अभी बहुत लंबा चैप्टर है दस क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से टेन क्वेश्चन कैन यू इमेजिन क्या दस क्वेश्चन को दस मिनट में करा दू के रीड कर देती हूँ भाई तुमको चाहिए जल्दी कंप्लीट कर दो ये नहीं कि तरीके से कंप्लीट करो कि हर क्वेश्चन का आंसर दे पाए जल्दी कर दो हां जी बनाता है या ब्रेक करता है बेटा जब डीएनए पॉलीमरेज यहां पर डी लगा रहा है तो वो बॉन्ड बना रहा है बना तो रहा है है ना बनाता है लेकिन मैंने बोला जब गलती होती है तो गलत वाले को निकाल के फेंकता भी तो है वापस जाएगा गलती देखेगा गलती वाले को निकाल के फेंकेगा और फिर ठीक वाले लगाएगा यानी कि बेटा डीएनए पॉलीमरेज दोनों काम कर सकता है इट कैन परफॉर्म बोथ द फंक्शन ठीक है सो डीएनए पॉल बॉन्ड फॉर्मेशन भी करते हैं एंड बॉन्ड ब्रेक भी करते हैं है ना बॉन्ड ब्रेक कब करते हैं जब उनकी न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है एंडोन्यूक्लियस नहीं होती है एक्सो न्यूक्लियस होती है और बॉन्ड फॉर्म कब करेंगे जब वो पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी कर रहे हैं पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं गॉट इट यस जब वो पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं तो नया बॉन्ड बना रहे हैं कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं बॉन्ड बना रहे हैं लेकिन जब वो एक्जो न्यूक्लियस एक्टिविटी कर रहे हैं वो बॉन्ड तोड़ रहे हैं ठीक है जी वो बॉन्ड तोड़ रहे हैं और एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी मतलब कोने से बॉन्ड तोड़ते हैं बीच में से एंडो न्यूक्लियस की तरह नहीं तोड़ते हैं जी दिस इज डीएनए एन यस मेरे बच्चों दिस इज डीएनए एप्लीकेशन यस क्या ये बात समझ आ गई थी बताओ जरा से कौन सा कैरेक्टर बेटा अभी कैरेक्टर कौन से कैरेक्टर की बात हो रही है यस yes. हां जी क्या डीएनए डीएनएकेशन समझ आई फटाफट से बताऊं सबसे पहले रेप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव है देन बेटा मैंने आपको बताया ऊपर का स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूसली बनता है सीधा बनता है और नीचे के स्ट्रैंड में ब्रेके लगती हैं इसीलिए बेटा डीएनए डीएनएडिकेशन को हमने सेमी भी बोला एक पॉइंट पे जाकर होती है उस पॉइंट सुन लो फटाफट से ओ आर आई है ओ आर आई पे बेटा डी एन एप्लीकेशन चालू होगी और इधर भी चलेगी और इधर भी चलेगी यानी कि इट इज बाय डायरेक्शनल इन नेचर हम बनाते एक हैं एक साइड की बट दोनों साइड पे चलती है डीएनए 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 के लिए जो मेजर एंजाइम है दैट इज इज पॉलीमरेज 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 डिपेंडेंट ये डिनोवो काम नहीं करता है एक ही दिशा में काम करता है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम लेकिन खुद से नहीं कर सकता इसको कौन चाहिए होता है एक इनिशिएशन चाहिए होता है और इनिशिएशन कौन करता है प्राइम बाय इंड्यूसिंग और आरएनए प्राइमर सबसे पहले हम क्या करते हैं दोनों बॉन्ड दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स को अलग करते हैं अलग करने के लिए कौन चाहिए स हेलीकेस के अलग करने के बावजूद वो तो मिलने कोशिश करते हैं उसको कौन प्रिवेंट करेगा एस जब वो प्रिवेंट हो गया एंड बन गया तो पीछे की साइड पर सुपर कॉइलिंग हो जाती है इस सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट कौन करता है टोपो और जाएरेस. जब हमारा हेलिक्स इस तरीके से डिस्टेबलाइज होकर बैठ गया तब अपना मामला शुरू करेंगे लेकिन जैसा कि मैंने बताया डीएनए पॉलीमरेज शुरू नहीं कर सकता शुरू करने के लिए प्राइमेज आए प्राइमेज ने छोटा सा यहाँ पर प्राइमर लगाया आर प्राइमर है लेटर ऑन इसको पॉल वन रिमूव कर देंगे लेकिन ये आरएनए प्राइमर स्टार्टिंग के लिए लगा दिया है इस आरएनए प्राइमर को देख के अब डीएनए पॉलीमरेज आएंगे और अपना काम शुरू करेंगे फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एक स्ट्रैंड तो बेटा जी पूरा ये फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम बना देंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन नीचे वाले में पोलैरिटी मेंटेन करने के लिए यहां प्राइमर लगा था तो पहले इतना सा बना फिर बेटा इधर प्राइमर लगेगा तो इतना बनेगा फिर इधर प्राइमर लगेगा तो इतना बनेगा यानी कि नीचे का जो स्टैंड बन रहा है वो टूट टूट के टुकड़ों में बन रहा है उन टुकड़ों को हम लोग बोलते हैं ओकाजा की फ्रेगमेंट्स इन ओकाजा के फ्रेगमेंट्स को लेटर ऑन ज्वाइन कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेस लाइगेस बेटा दोबारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है एक बच्चे से पूछा लाइगेस कौन से बॉन्ड बनाता है कह रहा हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड खुद से बन जाएंगे उसको बनवाने की जरूरत नहीं है यहां पर लाइगेस कौन से बॉन्ड बनवा रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड डीएनए पॉलीमरेज में कौन से बॉन्ड बनवा रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जब ये सारा प्रोसेस हो गया तो भैया गलती को ठीक करने के लिए कौन सी एक्टिविटी चाहिए एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी चाहिए गलती हमेशा बैक जाके ठीक करी जाती है थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम और फिर बेटा इस प्राइमर को भी तो रिमूव करना है ये तो क्योंकि आरएनए आरएनए को तो नहीं रख सकते इस आरएनए को रिमूव करने के लिए भी कौन सी एक्टिविटी चाहिए एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी चाहिए और वो कौन सी एक्सो न्यूक्लियस है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एक्सो एक्टिविटी और ये जो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो सिर्फ पोल वन के पास ही मौजूद है अब आपको छोटा सा होमवर्क देके जा रही हूं क्या देके जा रही हूं होमवर्क देके जा रही हूं दे दू। आपको मुझे बताना है द ग्रोथ ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड अब आपको पता है क्या है एंड द ग्रोथ ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड ऑप्शंस भी दे रही हूं ऑप्शंस भी दे रही हूं हाँ जी यहाँ ऑप्शन है फाइव प्राइम टू तो थ्री प्राइम और थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम यस ग्रोथ ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड और ग्रोथ ऑफ लेडिंग स्ट्रैंड हां जी मेरे बच्चों देख के बता दो स्पेशल क्लास बेटा शाम को छह बजे है मतलब अभी बीस मिनट रह गए यार मुझे लगा आधा घंटा है 20 मिनट के बाद 6 बजे एक ऐसी स्पेशल क्लास शुरू होने वाली है यहां पर ये लिंक पिन किया हुआ है जिसके टॉपर को आज एक गिफ्ट भी मिलने वाला है मैम की तरफ से गिफ्ट नहीं मतलब आपके काम की चीज इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल चीज मिलने वाली है एंड आई रियली वॉन्ट की वो टॉपर को मिले क्योंकि वो टॉपर के लिए वैलिड है और किसी के लिए वैलिड नहीं है तो टॉपर बेटा तभी बनेगा जब आप यहाँ क्वेश्चन करेंगे इस क्लास का लिंक मैंने पिन कर दिया है कोई भी गलती से इसको मिस ना इसमें है बेटा, फ्लेट्स की। आपने पढ़ा हुआ है कल बताऊंगी अब कल ट्रांसक्रिप्शन बताऊंगी और इसको एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि इसमें तुम गड़बड़ आंसर दे रहे हो सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक करा कि नहीं करा बताओ नहीं करा है ना लाइक like नहीं करते हो यार फटाफट से लाइक कर दो एंड यस uh, yes. और पहुंच जाओ बेटा इस स्पेशल क्लास में जिसको मैगी वैगी खानी है दूध पीना है चाय पीनी है जो भी आप पीते हैं इस समय वो पी सकते हैं ये मैं नोट्स अपने टेलीग्राम पे देने वाली हूँ साथ ही बेटा द बिगेस्ट ऑफर इज गोइंग ऑन 25 परसेंट ऑफ चल रहा है जो कि जनरली हर समय नहीं चलता 25 परसेंट ऑफ है प्लस और आइकॉनिक पे ठीक है जी कोड लगाना है आपको सीप लाइव सिर्फ दो दिन के लिए है और इस समय नया बैच भी आ चुका है नए बैच का नाम है अग्नि अग्नि बैच अगनी प्रो बैच ये बैच प्रो ये से शुरू हो रहा है ये देख थर्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई से शुरू हो रहा है वन ऑफ द बेस्ट बैच होने वाला है जिसमें मोस्ट ऑफ द सिलेबस हम लोग लाइव कवर कराने वाले हैं ठीक है यस yes, तो थर्टी फर्स्ट जुलाई के लिए इस बैच में एनरोलमेंट आप अभी कर लेना क्यों क्योंकि बेटा ऑफर जो है वो 29 जुलाई तक ही है और अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन तो शॉर्ट के दिखाया था इतनी अमेजिंग है आइकॉनिक है, है, पर बेटा 25 नहीं आइकॉनिक पर तो अपू फोर्टी परसेंट ऑफ चल रहा है कोड लगाना है मेरी मेंटोरशिप के लिए कौन सा सीप लाइव और पहुंच जाना है आपको बैच के अंदर ठीक है जी बाकी आम, 23,000 प्लस लर्नर बेटा 2023 में क्रैक करे थे और टॉप 100 एआईआर में आए थे अब बेटा आप भी अपनी जर्नी मिड ईयर स्कॉलरशिप फेस से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं बाकी बेटा मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाती हूँ ऑनलाइन में आप मेरे साथ अग्नि प्रो बैच में जुड़ सकते हैं बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं मंडे से उसकी क्लासेस शुरू हो रही है ठीक है तो आंसर दे दो देखते हैं नीलम ठीक है कि नहीं कमेंट्स में देखे जाना सेशन को लाइक कर देना एंड कल मिल कल नहीं अभी शाम को मिलते हैं आ जाना यहां पर ओके बेटा चलो बाय बाय टेक केयर